वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एग्जाम शेड्यूल है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आया है। क्या नोटिस है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो गाइज, यहाँ पे जो नोटिस आया है एग्जाम को पोस्टपोन करने से रिलेटेड, ये नोटिस आया है। लेकिन ये एग्जाम सारी स्टेट के अंदर पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ये एग्जाम यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब स्टेट के अंदर पोस्टपोन किया जा रहा है। जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे जो सेंटर है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब स्टेट के अंदर पड़ा है, उन सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो एग्जाम है उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के लिए जो एग्जाम है उसको अभी यहाँ पे पोस्टपोन किया जा रहा है। वो आगे कराया जाएगा जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको फ्रेश डेट्स दी जाएंगी। उससे रिलेटेड अभी यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसी वो चीज आएगी, अपडेट होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। और ये ऐसा किस लिए हो रहा है? तो गाइस, यहाँ पे जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा ये किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे जो एग्जाम का शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा ऑल अदर स्टेट्स के अंदर। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा कंप्लीट पोस्टपोन नहीं किया गया है आपका एग्जाम। ये सिर्फ 3 स्टेट के अंदर जिन भी कैंडिडेट्स का सेंटर पड़ा है उनका एग्जाम यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं PMYT। गाइस, PMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CEPF, स्टेट PSC, UGC NET, IIT, JEE। तो गाइज, आप PMYT कोड लगा करके अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।